आम चुनाव में देश की राजधानी दिल्ली का पारा पहले ही चढ़ा हुआ है। सूबे में हो रहे त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी सभी एक दूसरे पर हमलावर हैं। तमाम दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इन सबके बीच अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ऐसा आरोप लगाया है जिसके बाद सियासी पारा चढ़ना तय है। क्या पश्चिम बंगाल की तरह दिल्ली में भी कोई खेल खेल रही है बीजेपी? क्या आपके विधायकों पर है बीजेपी की नजर? आखिर मोदी और शाह की जोड़ी के मन में क्या चल रहा है? पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में बड़ा बयान देते हुए कहा था कि दीदी के 40 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। मोदी के इस बयान के बाद से ही ऐसे आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में हॉर्स ट्रेडिंग के गंदे खेल को अंजाम दे रही है। इन सब के बीच अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी कुछ ऐसे ही आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। इसके लिए विधायकों को 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की बजाय मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 साल में एक बार बवाना के विधायक को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को ही जनता ने चुना। सिसोदिया ने कहा कि 10 करोड़ में कोई विधायक नहीं मिलेगा, न जनता का वोट मिलेगा। हमारे विधायक हर एक बातचीत हमें बता रहे हैं। इसके साथ ही सिसोदिया ने ये भी दावा किया कि उनके पास बीजेपी के खिलाफ सबूत भी हैं, जो सही समय पर दिखाए जाएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से विधायकों पर बीजेपी डोरे डाल रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।